आप मोहल्ले की विजिट कर लीजिए, सभी लोग ऐसी शिकायत रहता है कि इकबाल भाई कुत्ता रात में बहुत परेशान कर रहा है, 8 बजे रात में सारे लोग डर से भोग जाते हैं। क्या अब हम लोग आदमी से कम कुत्ते से ज्यादा डरे? क्या नगर निगम प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो चुकी है? माननीय मेयर साहिबा से मिलकर इस पे हम लोग उनको एक ज्ञापन सौंपेंगे और उस पे अमल अगर 10 से 15 दिन में नहीं होता है तो हम लोग इस पे आंदोलन करेंगे। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। सोशल मीडिया पर कल देर रात से 2 वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के खास करके बात करेंगे तो वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक वीडियो में सबसे पहले देखिए कि एक कुत्ता जो है किस प्रकार से जो है एक बकरी को कई की संख्या में कुत्ता जो है बकरी पर हमला कर देते हैं और उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। वही दूसरी वीडियो की बात करेंगे तो एक बच्चा जहां पर बता दे कि उसे साफ तौर पर दिख रहा है, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है एक बच्चा जो है उसके पीछे पीछे कुत्ता दौड़ने लगते हैं और बच्चा घर में चले जाते हैं। वीडियो के हमने पड़ताल की तो पता चला कि ये वीडियो जो है एक वीडियो वार्ड नंबर 18 का है, दूसरे वीडियो की अगर बात करेंगे तो वार्ड नंबर 40 का है। वार्ड नंबर 40 के पार्षद इकबाल हुसैन का ही घर का है, उनके घर का है, उनके घर के ही एक छोटे से बच्चे को जिस प्रकार से कुत्ता ने खदेड़ा है सबसे पहले बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरा सादा प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। क्या क्या पूरा मामला क्या है? देखिए, मामला आज से 18 दिन पूर्व इमामगंज का हमारा एक छोटा भाई, मिराज नाम है उसका, मेरा चप्पू, उसके खस्सी पे 8-10 कुत्तों ने हमला कर दिया था। जानवर आप देखे भी होंगे, करीब करीब 35-40 किलो का खस्सी था, उसको 10 कुत्तों ने खींच करके नोच लिया। उसी रात उस खस्सी की मौत हो जाती है। वो खस्सी जो है मार्केट के रेट के उसके हिसाब से आज के रेट में 30-35 हज़ार रुपये का होगा और उसको जान उसको माली हालात भी उस पर डैमेज हुआ, उसकी माँ भी सदमे में देखे, क्योंकि जब किसी पशु को लोग पोस लेता है अपने दरवाजे पर तो उसको मोहब्बत हो जाती है उस जानवर से और उस जानवर की मौत हो जाती है। ठीक, हमने उस समय वीडियो को अपलोड किया, सभी को सूचना दिया, माननीय नगर आयुक्त को भी मैंने सूचना दिया, लेकिन हमारा कहना, कल संयोग देखिए कि कल हम इसी जगह पे बैठे थे, कुछ लोग हमारे वार्ड के हमारे माँ बहन सब लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, भाई लोग, तो सूचना मिला कि बाहर में ऐसे ऐसे आपके भतीजा को कुत्ता ने लगे था। देखा कि हमने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कि बच्चे को मेरे कुत्ता मेरे घर के अंदर खींच लिया। अगर वहाँ पे हमारे घर के कोई सदस्य अगर हमारे किचन में रहते या और पीछे में रहते तो हो सकता था कि बच्चे को खींच के ले भी जाता, ऊपर वाले ना करे, खींची के ले जा सकता था, यानी बच्चे का जान चली जाए, जान भी चली जा सकती थी। और ये बात सिर्फ हमारे भतीजे के नहीं है, हमारे भतीजे के साथ तो तमाम हमारे वार्ड की माँ बहन छोटे बड़े या पूरे मुजफ्फरपुर लोगों का दुआ आशीर्वाद है उन लोगों का, जो सब कुछ सही सलामत है। आप देखिए कि आप किसी भी मोहल्ले में आप विजिट कर लीजिए, हर जगह कुत्तों का आतंक है। आप लोग पार्षद आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हम जब 2023 के जब हम लोग हमारे जनता का आभार जो हमको जीत के जब भेजा गया था तो उसमें पहले बोर्ड की बैठक में मीटिंग हुई थी, कुत्ते की नसबंदी कराई जाएगी। वो नसबंदी 2 बार टेंडर हुआ, टेंडर हो नहीं पाया और 1800 समथिंग का रेट था जिसमें हमारे कानपुर में 902 रुपया और भी जगह पे 506 रुपया में, बीकानेर में 506 रुपया पर नसबंदी था, लेकिन यहाँ का रेट हार्ड था। तो हम लोगों ने बोला कि जो लोग बीकानेर में और जो MP में जो लोग टेंडर करके उसको काम कर रहे हैं उसे लोगों को देना चाहिए ताकि जनता की पैसा बचाई जा सके जहां तक हो सके। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि हमारे नगर निगम में, इतना बड़ा हमारा नगर निगम स्मार्ट सिटी है और चारों तरफ आप देखिएगा कि घनी आबादी है, मुजफ्फरपुर में घनी आबादी है और शुरू से रहा है, आज मात्र इतना बड़ा नगर निगम में 1 से लेकर 49 वार्ड की इतनी बड़ी टेरिटरी में एक वैन है, काउ कैचअप वैन, उसी में अगर कोई गाय हो या बैल हो या कोई भी जानवर उसी में पकड़ाना है, कुत्ता को भी हो तो उसी पकड़ना है और 4 आदमी हैं। आप सोच सकते हैं कि मैं पूछना चाहता हूं नगर निगम प्रशासन से कि वो काउ कैचअप वैन रात में किस समय निकलता है, दिन में किस समय निकलता है या किस वक्त किस एरिया में है, उसका GPS के माध्यम से हमको रिपोर्ट चाहिए। ये शहर की जो हालत है ना, ये दुर्दशा वाली हालत हो गई है। रात में लोग डर से भय से नहीं निकल रहे। आप हमारी बात छोड़िए, आप मोहल्ले की विजिट कर लीजिए, सभी लोग ऐसी शिकायत रहता है कि इकबाल भाई कुत्ता रात में बहुत परेशान कर रहा है, 8 बजे रात में सारे लोग डर से भोग जाते हैं। आज वो छोटा बच्चा ऊपर में जाके देखिए कि डर से नीचे नहीं उतरा, पापा बड़े पापा कुत्ता काट लेगा। छोटा सा बच्चा 2.5-3 साल का है। वही हाल यहाँ के सभी तमाम बच्चों का है। आप देखे भी होंगे कि एक मिठनपुरा में एक बच्चे को कुत्ता काटने से उसकी मौत हो गई थी, ये आप लोगों को न्यूज चैनल के माध्यम से 2-3 महीने पहले के पता चला होगा। फिर आज से 8 महीने पहले नई बाजार में सब्जी मंडी में बीच में ही वृद्ध महिला को
कुत्ता काटती है और उसकी मृत्यु जो है सदर अस्पताल में हो जाती है दो दिन के बाद। तो क्या अब हम लोग आदमी से कम कुत्ते से ज्यादा डरे? क्या नगर निगम प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो चुकी है? आप लोग तो उसी प्रशासन के साथ काम कर रहे हैं, आपको पार्षद भी है, नगर निगम में जाते आते उठना बैठना है, बोर्ड की मीटिंग में बैठते हैं, फिर ऐसा काम क्यों नहीं होता? बोर्ड की मीटिंग, आप हमको एक चीज बताइए, बोर्ड में जो बात हम लोग अपने जनता के हित के लिए रखते हैं उसमें बोर्ड की मीटिंग में कितना बात खड़ा उतरा है? आप भी इस शहर के धरोहर है, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकारिता भी करते हैं, आप बताइए कितना काम जो बोर्ड की मीटिंग में हम लोग रखते हैं क्या वो पास होता है? सिर्फ भवन बनाना, नाला बनाना, इसी में विकास हो जाएगा? अगर हम लोग जनता जो हमारे जो टैक्स देती है, पटना से ज्यादा टैक्स हम लोग मुजफ्फरपुर में दे रहे हैं, उसके बावजूद भी वहाँ की अगर टैक्स नहीं, अगर आपको सहूलत नहीं मिलेगा तो टैक्स किस चीज का? अच्छा आगे क्या करेंगे? जिस प्रकार से ये घटना हुई है, जैसे आपके घर में अब आप लोग भी सुरक्षित नहीं है, और वो आप लोग अब जब सुरक्षित नहीं है तो फिर आप वार्ड वासियों को कैसे सुरक्षित महसूस करवाएंगे? हम सभी वार्ड वासियों का हमारे पास में फोन आता है, हम खुद रात में भी निरीक्षण में निकलते हैं, हमारे गाड़ी के ऊपर में कुत्ता का अटैक होता है, अपना जो भी गाड़ी उससे निकलते हैं उसमें कुत्ता का अटैक होता है। हम वार्ड वासियों को बोले हैं कि अगर 10 दिन के अंदर में नगर निगम प्रशासन अगर एक्टिव नहीं होती है, माननीय मेयर साहिबा से मेरा अनुरोध है, विनती है कि उस पर हार्ड एक्शन लें, आप बोर्ड की बैठक में इसको एजेंडा को लावे, और क्योंकि देखिए ये गंभीर विषय हो गई है, अगर ऊपर वाला ना करे, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे कि अगर किसी की मौत होगी तो उस मौत का जिम्मेदार कौन होगा? देखिए तो जिस प्रकार से अभी कुत्तों का आतंक देखने को मिला, दो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, दो वीडियो बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर नगर निगम के दो वार्ड का है। पहला वीडियो की अगर बात करें जहां पर एक बकरी पर कई सारे कुत्ते एक बार हमला कर देते हैं, वो वीडियो वार्ड नंबर 18 का है। वही दूसरा वीडियो जहाँ पर एक बच्चा देखा जा सकता है किस प्रकार से कुत्ते की भैंस घर में घुस जाते हैं, दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है वार्ड पार्षद भी अब जो है अब नगर निगम के कार्य से नाराजगी दिख रहे हैं, वार्ड पार्षद में नाराजगी कहने के देखी जा रही है। इनका साफ तौर पर कहना है कि नगर निगम को कड़ी कार्रवाई करनी होगी और कड़ा एक्शन भी लेना होगा। जी अगर हम लोग कल जो है माननीय मेयर साहिबा से मिलकर इस पर हम लोग उनको एक ज्ञापन सौंपेंगे और उस पर अमल अगर 10 से 15 दिन में नहीं होता है तो हम लोग इस पर आंदोलन करेंगे। हमारे पूरे वार्ड सभी लोग सभी आम जनता के समर्थन प्राप्त हो रही है और नहीं होगा इस पर अगर वो एक्शन ले लेती हैं तो बहुत अच्छी बात है, जनता को सहूलत मिलनी चाहिए और खौफ जो जनता के दिल में कुत्तों का है वो खत्म होना चाहिए। इस आंदोलन में सभी लोग पार्षद सभी हमारे तमाम हमारे जो बड़े भाई छोटे जितने भी वार्ड पार्षद हैं सभी का समर्थन हमको प्राप्त है और साथ साथ महान जनता की समर्थन प्राप्त हो रही है और हम अगर ये नहीं हुआ तो हम जन आंदोलन भी करेंगे, सड़क उतरेंगे। तो देखिए कि मुजफ्फरपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 40 के पार्षद इकबाल हुसैन, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो समस्या है उसका निदान जो है 10 से 15 दिन में हो, नहीं तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।